क्योंकि मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे भाई इंडिया से लाया गया बेशकीमती खजाना रखा हुआ है। और तो और भाई, कुछ लोग इसे इंग्लैंड का चोर बाजार भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेट 17th सेंचुरी की औरंगजेब की तलवार देखने को मिल जाएगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट भाई, हमारे ग्रेट मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की टाइगर क्लॉज भी यहाँ पे रखी हुई है। एंड ऐसा बोला जाता है कि ये वही वेपन है जो उन्होंने अफजल खान को मारने के लिए यूज किया था। एंड ये मेरे पीछे देख रहे हो आप भाई, वर्ल्ड फेमस सोने का सिंहासन, जो की कहता महाराजा रंजीत सिंह जी का। फिर लोग कहते हैं ये जो सारी चीजें है ये इंडिया से चुराई गई है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन बाय इन्होंने दी थी, उन्होंने दी थी। ये दो बंदूकें हैं टीपू सुल्तान की जो वो यूज किया करते थे उस टाइम पे। आगे जाके देखेंगे तो ये पूरी की पूरी मूर्तियां इंडिया में आने ही वाली है। ये भाई फैंसी डार्क ब्लू डायमंड है, और इसे कहते हैं कि ये ना श्रापित डायमंड था, मतलब जिसके पास भी जाता था उसकी लाइफ में बुरा होता था। और जब 1852 में कोहिनूर को लाया गया था ना, तो उस टाइम पे भाई ये हीरा 191 कैरेट का था, बट ये दिखने में ना इतना ज्यादा सुंदर नहीं था, तो इसको काफी ज्यादा ना तराशा गया उसके बाद सुंदर बनाने के लिए। यहाँ से भी भाई अपने भगा दिया हमें बाहर की, निकल जाओ यहाँ से, बहुत देर हो गई अब। भाई साहब टैक्सी देखो, पूरा रैप कर रखा है बारबी की प्रमोशन के लिए। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का लंदन की सड़कों से नहीं, वैसे घर में हूँ अभी, तो चले साथ वाले घर में, जो पड़ोसी है दीदी के, वो अपने सब्सक्राइबर ही निकले, तो उनके जो बेटे हैं वो वीडियोस देखते, वो कह रहे मिलना है। मैंने कहा हाँ शाम को आएंगे, मिलेंगे। अभी मौसम भाई आज एकदम मस्त हो रहा है, ऐसे लग रहा है थोड़ी बारिश आएगी, पर ज़्यादा ना ठंड नहीं लग रही ना ही गर्मी है, तो मैंने वैसे तो हुडी पहन लिया क्योंकि आते आते ठंड हो जाएगी, इसलिए ना हल्की हुडी मैंने भी, हाँ वही शाम के टाइम लगेगी। हेलो जी, हेलो। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं कोहिनूर हीरा देखने, क्यों जी, है ना। और इसके अलावा भी भाई काफी ऐसा सामान जो इंडिया से जो है वो इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है। अब काफी लोग उसे चोर बाजार भी बोलते हैं, काफी लोग मतलब समझ लो आप, जो भी है मैं बोलूंगा नहीं वो चीज, पहली बार ही जा रहे हो। चलो चल के देखते हैं भाई इंडिया की अलग अलग पुरानी पुरानी चीजें जो इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी हुई है। तो जी हमने यहाँ से कैब बुक करी है एबी वुड स्टेशन तक की, इनके घर से कितने, 2 माइल के आइए, इवन 2 माइल से भी कम है, बताओ मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर हो गए, और 650 रुपए 7 पाउंड भाई साहब एक्सपेंसिव है यहाँ पे कैब काफी ज्यादा। फिर वहाँ से हमें ट्रेन पकड़ के जाना है सेंट्रल लंदन, और फिर उसके बाद तो म्यूजियम का नाम क्या है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। आप कहाँ से हो भैया? पाकिस्तान। किधर? पंजाब। अच्छा पंजाबी, ये भी दो पंजाबी मिल गए हैं, मैं समझ लेता हूँ पर लिखने और बोल नहीं सकता। हाँ ये इंडिया साइड के पंजाब से, ये पाकिस्तान साइड के पंजाब से। मैं भी वैसे पंजाब से ही हूँ, मतलब मेरी मम्मी जो है वो पंजाब से ही है, पापा और है गुड़गांव से। मैं रहा नहीं ना वहाँ पंजाब में ज्यादा, मैं ज्यादा दिल्ली साइड रहा हूँ, तो इसलिए बस समझ जाता हूँ कोई बोलता है तो, लेकिन वो बोलना और पढ़ना नहीं आता। लो जी, लो स्टेशन आ गया अपना सामने। ओके भैया, थैंक यू, बाय। तो यहाँ पे भी भाई वही सीन है, डेबिट कार्ड टैप करो अपना, सीधा निकल जाओ। पर हमने जब एग्जिट किया था तब भी टैप किया था कल? हाँ किया था। तो एग्जिट जहाँ भी जिस भी स्टेशन पे करोगे उतने पैसे कट जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो वो पूरे सेंटर में 1 से 5 जोन के पैसे कट जाएंगे। अच्छा कंप्लीट काट लेंगे रात शाम तक? ओ भाई, अगर हमने ट्रैवल नहीं किया पूरे। हाँ हाँ समझ गया। हाँ तो ये चीज़, अच्छा ये हम ले रहे हैं भाई एलिजाबेथ लाइन, जब डेथ हुई क्वीन की उससे पहले वो इनॉग्रेट करके गए थे, है ना। ये तो फास्टेस्ट है ये यहाँ की, यही वाली है। ये चलो भाई, चलो यही जा रही है, इसी में बैठना है, लेट्स गो। चेंज करनी पड़ेगी? क्यों? अच्छा पर स्टेशन यही रहेगा, मतलब स्टेशन तो नहीं चेंज करना। हाँ तो एक्चुअल में ये एक काइंड ऑफ मेट्रो ही है, ट्रेन नहीं है। और स्टेशन कौन सा उतरना है हमें, जो एंड वाला स्टेशन है यहाँ पे म्यूजियम? साउथ केंसिंगटन में उतरना हमने यहाँ। ठीक है, फिर वहाँ से वॉक करना है म्यूजियम? 5 मिनट की है शायद वो, मैंने देखा। ठीक है, मतलब कोई डायरेक्ट म्यूजियम जाना चाह रहा है तो ये जो बताया ना वहीं पे उतर जाना, साउथ केंसिंगटन। पूरा लंदन वैसे अच्छे से कनेक्टेड है ना, है ना, ट्रेन मेट्रो से, तो बढ़िया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट महंगा बहुत है। कितने का लगेगा अपना ये? अभी हमारा आज पूरा दिन लग जाएगा, हमने कैब का नहीं काउंट करा। नहीं ये वाला यहाँ से
1170 लगेंगे एक बंदे के, 1200 रुपए एक बंदे का। ओ भाई साहब बहुत महंगा है तो पब्लिक का। और हम किस एरिया में है, लंदन के वेस्ट वाले में? हम लोग हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में और जा रहे हैं सेंट्रल लंदन। बहुत महंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई। तो अभी एक मेट्रो चेंज करनी है, वाइट चैपल करके ये मेट्रो स्टेशन आया है, या मतलब जो भी कहना चाहो इसको स्टेशन, वहाँ से दूसरी लाइन लेनी है, फिर वो पहुँचाएगी हमें अपने मेन डेस्टिनेशन। किधर से? डिस्ट्रिक्ट लाइन। हाँ डिस्ट्रिक्ट लाइन लेनी है। ओ भाई साहब कितनी वो है, देखना लंबी एक्सेलेटर, मतलब इतनी तो नहीं है, रशिया में इससे भी बड़ी बड़ी है, बट ये भी भाई कुछ कम नहीं है। हमें जाना है कहाँ, यहाँ पे साउथ केंजिंगटन, पता नहीं भाई अजीब गरीब सी प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ से यही है। चलो चलो एक चीज़ और यार, मैं ना प्रॉपर एक सीरीज़ बना रहा हूँ, कोई लोग इंडिया से आके यहाँ पढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कितने का रेंट है या एक्सपेंसिव कितना है लंदन, उसके ऊपर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो कमेंट्स कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि दीदी यहाँ पे 3-4 साल से रह रही है ऑलरेडी, है ना, तो इनको पता है काफ़ी हद तक चीज़ें, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी वो। यहाँ से एग्जिट लेनी है भाई राइट साइड से। बाकी जी इंट्रो तो देना ही भूल गया, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आ जाए। 31 अगस्त 2023, मैं हूँ अभी इंग्लैंड के एक खूबसूरत शहर लंदन में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइन। इस ट्रिप पे हम निकले हुए थे भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर 110 दिनों के लिए, जिसमें हमने भाई ऑलमोस्ट 29-30 कंट्रीज कवर करी है, एंड घर पहुंचते पहुंचते 23-24 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे। हालांकि गाड़ी जो है वो कल ही जा चुकी है, आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में। अब 6-7 दिन लंदन में जो बचे हैं ये अच्छे से एक्सप्लोर करके फिर मैं भी इंडिया फ्लाई कर जाऊंगा वापस। ये पूरा सेंट्रल लंदन ही है, है ना, जो टावर ब्रिज वगैरह वो आसपास ही है, मतलब सब कुछ है ना, वॉक करके जा सकते हैं। हाँ बाय वॉक ही है। और देख लो भाई पूरे यहाँ पे भीड़ भड़क है, टूरिस्ट तो नहीं लग रहे मुझे लोग ज्यादा, पर काम करने जो आए हुए हैं ना वो। और ये भाई लंदन की फेमस ब्लैक टैक्सी है, आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएगी बहुत बार। अभी तो ये नया मॉडल है भाई, काफी पुरानी पुरानी भी चलती है, जैसे वो देखो वो सामने है ना, काफी पुरानी। और यहाँ देखो साइकिल्स भी है भाई इलेक्ट्रिक वाली, लाइम जो हमने पूरे यूरोप में यूज करी है वो भी आपको मिल जाएगी, तो ये लेके भी आप मस्त घूम सकते हो एकदम। भाई साहब टैक्सी देखो पूरा रैप कर रखा है बारबी की प्रमोशन के लिए, ये मेरे ख्याल प्रमोशन है, मतलब दिया हुआ है मूवी वालों ने प्रमोट करने का ना, पैसा वैसा दिया होगा टैक्सी को कुछ। कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? मेरे को ओपनहाइमर देखनी है, देखी आपने ओपनहाइमर? नहीं बारबी देख के आई थी, गए थे। मुझे ओपनहाइमर देखनी है, इंडिया जाके अगर लगी होगी तो देख लूंगा। लो जी लो पहुंच गए हैं, पहला म्यूजियम ये है, इसी के जस्ट ऑपोजिट में दूसरा म्यूजियम है, वहाँ भी चलेंगे। पहले चलते हैं भाई इसमें, क्योंकि मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे भाई इंडिया से लाया गया बेशकीमती खजाना रखा हुआ है। अब आप उसे लाया गया कह लो, चुराया गया कह लो, दिया गया कह लो, सब लोगों की अपनी अपनी सोच है, हम देखने आए हैं बस, और हमें कोई कमेंट नहीं करना। और तो और भाई कुछ लोग इसे इंग्लैंड का चोर बाजार भी कहते हैं। तो जी यहाँ पे पूरा का पूरा मैप बना हुआ है, किस फ्लोर पे क्या क्या है अलग अलग कंट्री वाइज, जैसे कि जापान है, कोरिया है, बट हम चलते हैं भाई सीधा पहले एशिया या फिर इंडिया का सेक्शन, है ना, क्योंकि मेन तो वही देखना है। चलो जी तो यहाँ से जाना है भाई इस कल्चर वाले रूम से, वो लिखा हुआ जी सामने साउथ एशिया। तो जी एंटर करते ही पहले तो 3 तस्वीरें लगी हुई है, एक ये है अकिलिस टावर अमृतसर पंजाब का, फिर दूसरा अपना गोल्डन टेंपल, ये तो आपने देखा ही होगा, और ये गोल्डन टेंपल के इंटीरियर की एक फोटो है, देख सकते हो आप 1818 से 1899। देखो जी कृष्ण जी की तस्वीर है अपना बांसुरी बजाते हुए, ये देखो जी पुराने पुराने जमाने के बक्से रखे हुए हैं, और एग्जैक्ट बताऊं तो 19th सेंचुरी का है ये, और इसी के ऊपर आप देखोगे ये है चेस का सेट, उस टाइम पे देख लो भाई सब कैसे बने होते थे प्यादे और घोड़े वगैरह पूरे, ये भी 19th सेंचुरी का ही है। और इसके अलावा भी काफी चीजें है, एक ये तलवार आपको देखने को मिलेगी, ये मेरे पीछे भाई लेट 19th या 20th सेंचुरी की ज्वेलरी रखी हुई है तमिलनाडु से, भाई साहब देखोगे ना आप इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग है, नेकलेस जो है वो ब्लैक थ्रेड के ऊपर रियल गोल्ड है, भाई साहब कितना महंगा
होगा, ये सोचो ये हाथ का कड़ा है भाई साहब, इतना मोटा, मतलब कितना ही महंगा सोना होगा इसमें ना। ये जो आप देख रहे हो ना भाई 1733 की एक मैन्युस्क्रिप्ट का कवर है जिसमें ना टोटल 5 अवतार दिखाए गए हैं, ऑलमोस्ट भाई 290 इयर्स पुरानी है ये। और ये तो एक दिखाया मैंने खाली आपको, ऐसे ही भाई बहुत सारी ओरिजिनल चीजें रखी हुई है यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे सामान रखा है ना बहुत ही ज्यादा खास और वैल्यूएबल है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेट 17th सेंचुरी की औरंगजेब की तलवार देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखोगे लिखा हुआ है गिवन बाय, वो तो आप खुद ही सर्च कर लो कि दी गई थी या ली गई थी। हर जगह लिखा हुआ है कि गिवन बाय, मतलब दी गई थी इनको ये सामान, बट लाया गया ना कहाँ दी गई थी। इसके अलावा 19th सेंचुरी से दारा शिखो की भी तलवार रखी हुई है यहाँ पे। बट सबसे इम्पोर्टेंट भाई हमारे ग्रेट मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की टाइगर क्लोज भी यहाँ पे रखी हुई है। एंड ऐसा बोला जाता है कि ये वही वेपन है जो उन्होंने अफजल खान को मारने के लिए यूज किया था। इसके अलावा जोधपुर से लाए हुए 18th सेंचुरी के ये आर्म गार्ड्स भी है। ओ भाई साहब, ये शाहजहां के टाइम का बाउल और भी काफी सारे बर्तन है, आप देख सकते हो। क्या ये थम रिंग? ओ भाई साहब देख रहे हो, अंगूठे पे रिंग पहनते थे। ऐसी टाइम पीरियड भी आप देख सकते हो 1628 से 58 तक। इसके अलावा भाई सोने से एंग्रेव्ड चम्मच भी है। ये देखो ये जो टर्बन जो पहले पहनते थे मुगल लोग, तो उसके ऊपर जो ऑर्नामेंट यूज करते थे ना, तो पगड़ी के ऊपर, तो पूरा देखो गोल्ड का रूबीज डायमंड सारे हीरे सब लोग सारी चीजों से जड़ा हुआ। देखो तो ऐसी चीजें यूज करते थे अपनी पगड़ी के ऊपर, कितना अच्छा लग रहा ना ये। इसके अलावा ये जो आप कप देख रहे हो ना भाई, जहांगीर का वाइन कप था, इसमें वाइन पी जाती थी 1613 में। यहाँ आप देख सकते हो भाई, ये भी जो था ना वाइन का पीता शाहजहां का। बताओ पीते कैसे होंगे? वही तो, पीते कैसे होंगे ये नहीं समझ आ रहा बस। ये सामने जितना भी सामान देख रहे हो ना सब भाई मुगल ईरा का ही है। और स्पेशली ये देखो भाई साहब, जैसे अपनी ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना, उस टाइम की ज्योमेट्री बॉक्स थी, पेन एंड पेंसिल रखी जाती थी भाई साहब, देख रहे हो। और ये क्रॉकरी सेट उस टाइम का, चक्कू चम्मच वगैरह। पता है ये अच्छी चीज है कि सब कुछ ना यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल लगा के कि कब का है, किसका था और किस यूज आता था। और भाई साहब ये मिरर देखो कितना महंगा होगा, गोल्ड और रूबी जड़े हुए इसमें, बताओ। ये कोई बॉटल्स वगैरह भी देखोगे ना उस टाइम की, भाई साहब क्या मस्त डिजाइनिंग कर रखी होती थी यहाँ पे। दीदी इंडिया के लगभग हर पार्ट से कुछ ना कुछ सामान लाया हुआ है ना, जैसे पंजाब से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, और ये देखो इंडिया से। ये देख लो, जैसे ये जो ड्रेस है भाई गुजरात से लाई हुई है, और कब की है ये? 18th सेंचुरी की भाई साहब। एंड ये मेरे पीछे देख रहे हो आप भाई, वर्ल्ड फेमस सोने का सिंहासन, जो कि के था महाराजा रंजीत सिंह जी का। ये वैसे पूरा सिंहासन तो ना लकड़ी का बना हुआ है, बट उसके ऊपर भाई सोना चढ़ाया गया, वो भी रियल सोना। जी हाँ, ये जो पूरा सेक्शन है ना टीपू सुल्तान को डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर आप उनकी तलवार देख सकते हो, जिसमें ना गोल्ड से टीपू सुल्तान का नाम लिखा हुआ है, बट ये लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आ रही भाई कहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा उनका भाई टेलीस्कोप भी है यहाँ पर, और भी काफी चीजें हैं, जैसे ये छड़ी है उनकी, ये दो बंदूकें हैं टीपू सुल्तान की जो वो यूज किया करते थे उस टाइम पे। तो जब 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स ने सिटी को और पैलेस के कुछ पार्ट को लूटा था। और ये जो लूटा हुआ खजाना होता था ना, सैनिकों के बीच में भी बांटा जाता था उस टाइम पे। एंड उसी खजाने में एक ये वुडन टाइगर मिला था टीपू सुल्तान का, जिसका अगर आप ये हैंडल को घुमाओगे ना, तो ये जो नीचे सोल्जर है ना भाई, इसके अंदर एक ऑर्गन है जिसमें से तड़पने की आवाज निकलती है, वैसे शेर उसको खा रहा है ना इसलिए। यहाँ भी आप देखोगे ना साफ साफ लिखा हुआ है सोल्जर्स ने जो है वो लूटा था। देखो इन्होंने ना अलग अलग सेक्शन बना रखे। अब यहाँ पे है इस्लामिक मिडल ईस्ट का, और अभी ना एक और रूम बचा साउथ एशिया का, तो पहले यहाँ पे चल के देखते हैं। ओ भाई साहब मूर्ति है यहाँ पे तो कितनी पुरानी भाई। ये देखो भाई 1600 की मूर्ति है, केरला से लाई हुई, लकड़ी से बनी हुई है पूरी की पूरी। इनका तो आपको पता ही होगा कामधेनु कहा जाता है,
जाता है कि इनसे आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाता है। और ये मूर्ति जो है वो 1900 की है, तमिलनाडु से लाई गई है। यहीं पे भाई मेरे को एक भैया मिले, कहाँ से हो आप? जी मैं नागपुर से हूँ, मैं डॉक्टर ललित निमोदिया हूँ और मैं फेसबुक पे पूरे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पूरा ब्लॉग लिखता हूँ। तो भैया से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता यहाँ की चीजों को समझाने के बारे में। पूरे की पूरे जो इंडिया की जो जितनी कलाकृतियां है, जितनी मूर्तियां है, उनका बहुत अच्छा इन्होंने एक ये रखा है, संग्रहालय रखा है। और इस संग्रहालय में अपन देखेंगे कि जो इंडिया का जो हिस्ट्री है, जो एडी 600 से लेके 1500 तक, उसके पूरी की पूरे जो डायनेस्टीज की मूर्तियां है, चालू करेंगे अपन पल्लवा से, उसके बाद में चोलास से। चोलास का जो पीरियड था वो 700 से 1100 एडी था, और उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी अच्छी जो मूर्ति रखा था अपने तंजौर में, वो सब मूर्तियाँ यहाँ पे, ये जो मूर्तियाँ है, ये जो है आप ये जो देख रहे हैं शिवो पार्वती, इसको सोमास्कंदा बोलते हैं, ये आपका डांसिंग नटराज है, गणेशा है, और ये जो है ये विष्णु जी है, उनके राइट साइड में श्रीदेवी है, उनके लेफ्ट साइड में भूदेवी है जो अभी इसमें नहीं दिख रही है। 500 एडी से 1500 एडी के बीच में जो इंडिया का जो स्वर्णिम पीरियड था, जिसमें काफ़ी मूर्तियों की नक्शागिरी की गई थी, उसमें जो होयसाला का जो एक कालखंड था, उससे इंट्रिकेट डिजाइनिंग और उससे अच्छी कलाकृति कोई आज तक कभी हुई नहीं है। उनके अंदर आप ये जो देखेंगे, आप ये जो बारकाई देखेंगे, आप ये जो आप बांध देखेंगे, आप ये भाला देखेंगे, ये देखेंगे, ये कलाकृति आज तक के दुनिया के इतिहास में इतनी अच्छी कलाकृति नहीं हुई हुई है। वैसी एक आपको होयसाला की आपको एक जो मूर्ति है, ये आपको ये देखेंगे, आप ये देखिए गंधर्व है ये, और गंधर्व जो रहते हैं वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आप ये देखेंगे ये जो डमरू है, ये डमरू के अंदर जो आपका जो रस्सी है, इसके ऊपर जो नकाशी की गई है, हाँ, यस 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 यस, हाँ, और ये जो पूरा दिखेवा है, ये आपको ये भारतीय इतिहास में कहीं मिलेगा। बट आपको नहीं लगता अगर ये सारी मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें इंडिया को वापस कर दी जाए तो इंडिया भी संभाल के रख सकती है ये सारी चीज़ें जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है? सर अभी कैसा है कि इंडिया में अभी प्रोग्रेस हो रहा है, मोदी जी के राज में नए नए म्यूजियम्स बन रहे हैं, तो ऐसा समझ लो कि 100 साल के बाद में ये मूर्तियाँ अपने इंडिया में आने ही वाली है, लेकिन अच्छा। उसके लिए अपने को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आएगी पक्की बात, 100% आएंगी, और वो अपने में ताकत है कि आज आज ये जो देश जो रिसेशन के दौर में गुजर रहा है, आगे जाके अपन भारत इतना समृद्ध देश बनने वाला है कि अपन इन लोगों से सब पूरे सब चीज़ें खरीद लेंगे वाला। सही है, बढ़िया चीज़ है। तो आप प्रतीक्षा करिए, 100 साल के बाद में ये सब कलाकृतियाँ अपने ही संग्रहालय में आपको मिलेंगे देखने। मतलब अपने ही म्यूजियम्स होंगे इंडिया में किसी, मतलब अलग अलग जगहों पर जहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि आज ब्रिटेन के अंदर भी इतने इंडियंस और पूरे वर्ल्ड में भी आ रहे, तो यहाँ पे भी जब लोग आ रहे तो अपने देश का ही जब कलाकृतियों का देख सक रहे हैं, और उनको मालूम पड़ेगा कि उनको समझ रहा है कि भारत क्या चीज है आज। ये जब कलाकृतियों को देखते हैं तो उनको समझता है कि आज ऐसी कलाकृतियां कहाँ मिलती है, आप कौन से देश में आपको इसे देखने को मिलती है, तो ये इंडिया का पावर बताता है। बिल्कुल, बस फ्यूचर में अगर ये इंडिया आएगी मूर्तियां, तब भी फॉरेनर्स इंडिया आके भी देख पाएंगे ये चीज़ है ना, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। बट ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ म्यूजियम की एंट्री फीस जीरो है, मतलब कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता, एंट्री कर सकते हो। और इसके बाद में भी मैं इनकी प्रशंसा करूंगा कि जो हिसाब से ये जो लोग पेन्स लेके आपको आपके फ्री में जो सेशंस कंडक्ट कर रहे, गाइड कर रहे, रियली हैट्स ऑफ टू दिस ब्रिटिशर्स। इन लोगों को आर्ट का रख रखाव आता है, इनके लिए मैं इनको तह दिल से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, जी काफ़ी लोग कहते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडिया से चुराई गई है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन बाय, इन्होंने दी थी उन्होंने दी थी। कैसा है सर कि ये तो कैसा है कि एक बोलने का एक तरीका है, एक एवरी नेशन हैज गॉट इट्स ओन पीरियड, गोल्डन पीरियड है, और इंडिया का गोल्डन पीरियड भी शुरू हुआ है। बिल्कुल, तो आगे जाके देख, आज इतना शानदार फ्यूचर इंडिया का कि आगे जाके देखेंगे तो ये पूरी की पूरी मूर्तियाँ इंडिया में आने ही वाली है। बिल्कुल, हम वेट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद। ये नटराज की मूर्ति है, ये नटराज की जो मूर्ति है ये काफ़ी पावरफुल मूर्ति है, और इसमें आप देखेंगे कि नटराज इज़ अ क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो है ये जो मूर्ति है ये चोला कालखंड की मूर्ति है। चोला का जो कालखंड था वो तंजावुर में था, और वो जो 800 से लेके 1200 का उनका जो स्वर्णिम पीरियड था, उस समय ये मूर्तियों की उसकी ढलाई हुई भी है, और ये कॉपर अलॉय का है, और आज बड़े बड़े वर्ल्ड के म्यूजियम्स के अंदर नटराज की जो मूर्ति है वो सबसे ज़्यादा आकर्षण जो करती है वो ये करती है, क्योंकि इनके फेस के ऊपर जो पावर है और इनका जो स्ट्रेंथ है और इनका एक जो मैसेज है
वो एक अलग ही अपने को इसमें लेके जाता है। तो ये जो चोला पीरियड था वो 800 से 1200 तक था। जी हाँ जी हाँ जी, महिंद्रा स्कॉर्पियो महिंद्रा की क्या बात। भैया हैरान हो गए जब हमने बताया कि इंडिया से गाड़ी चला के आए हैं। My God. आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आए हुए हो? जी मैं मेरी लड़की यहाँ पे एडमिशन लिया उसने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। हाँ। लेकिन मैं ये मेरा सेकंड ट्रिप है। पहले ट्रिप में मैं 3 दिन मैंने सुबह ताला खोला ब्रिटिश म्यूजियम का और बंद किया। अच्छा मतलब धक्के मार के कहने का मतलब है सुबह खुलते ही मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गया है। और आज भी 5:30 बज गए और 6 बजे के बाद में मुझे आखिरी में यही रूंगा और मुझे धक्के मार के निकाले जाएगा बोला। बट बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने हमारे व्यूअर्स के लिए और हमें भी काफी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड ये देखो भाई शिव जी का वाहन नंदी जी, यहाँ पे इनकी भी मूर्ति रखी हुई है इतनी बड़ी, जो कि के भाई 1550 से 1650 के बीच की है भाई साहब। एंड इसको कर्नाटका से लाया गया था। ये देखो एक ये सेक्शन है, इसके अंदर भाई साहब तस्वीरें जो है वो इतनी बड़ी बड़ी है। ये देखो ओहो कितनी बड़ी बड़ी पेंटिंग लगा रखी है दीवारों पे। वो सामने एक यूरोप का भी सेक्शन है 1600 से 1815 तक का। रश्मि भाई अगर आपको पूरा म्यूजियम या पूरी गैलरी घूमनी है ना तो 4 से 5 घंटे निकाल के आना, क्योंकि 2 घंटे तो हमें हो गए और अभी हम सिर्फ ये एशिया वाला ही सेक्शन कवर कर पाए हैं। बाकी सेक्शंस की एंट्री इन्होंने बंद कर दी है, बट हम तो खैर अपनी इंडिया से लाई हुई चीजें ही देखने के लिए आए हुए थे, वो देख ली हमने। अब चलते हैं भाई दूसरे म्यूजियम में जो इसके सामने ही है, वहां पे रखा हुआ है कोहिनूर हीरा। लो जी ये भाई साहब आ गए हैं कि म्यूजियम बंद हो गया, जाओ यहां से। आपने कितना देख लिया? अरे कुछ भी देखने नहीं मिला। नहीं मिला सही, आपने भी यही पहले भी आप यही कह रहे थे कि सुबह आता हूँ मैं और भगाने के टाइम पे बिल्कुल भगा देते हैं। यहाँ से भी भाई अपने भगा दिया हमें बाहर की, निकल जाओ यहाँ से, बहुत देर हो गई अब। नहीं लेकिन तृप्ति नहीं, तृष्णा नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। अभी तो आप हो एक दो दिन और यहाँ। मैं तो अभी मैं 3 दिन यहाँ पे आने वाला हूँ। अच्छा एक चीज धोके निकालूंगा। वही है हिस्ट्री की, काफी ज्यादा भैया को ना वो है, मतलब समझ रहे हो इंटरेस्ट है काफी ज्यादा इसलिए। बट हमने जो जो मेन देखना था वो तो देख ही लिया है ना, इंडियन जो भी था। नहीं लेकिन अभी तो काफी बहुत अच्छा है, मुझे लगा नहीं था कि विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूजियम को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी ब्रिटिश म्यूजियम को मिली है। पिछले ट्रिप में मैंने ब्रिटिश म्यूजियम किया था, इस बार मैं जो पिछले बार जो चीजें रह गई थी इस बार वो दूसरी चीजें ऑफ बीट चीजें कर रहा हूँ। सही है। क्या म्यूजियम है ये? देखो भाई इसका मेन एरिया है, शॉप भी है वहाँ पे और ऊपर देखो ओहो क्या ये झाड़पोस है, क्या ये जो शैंडेलियर है। हाँ हाँ ये शैंडेलियर एक अमेरिकन डिजाइनर है। अच्छा जुबली 2000 में बना के दिया इनको। अच्छा और इसके अंदर 45,000 pieces है। 45,000 pieces है भाई साहब। ओहो जो वर्कशॉप है वो सिएटल में है। सिएटल से बना ये। सिएटल से है। जो खासियत ये है कि ये शैंडेलियर है लेकिन इसमें लाइट नहीं है। मतलब विदाउट लाइट वाला शैंडेलियर है। लेकिन वहाँ इसको शैंडेलियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर का जो लाइट है ये लाइट हाथ से जो लाइट आता है ये लाइट इसको एक शैंडेलियर का इफेक्ट देता है, मतलब रिफ्लेक्शन पड़ता है एक तरह से। पूरे आपके जैसे दो कलर दिए हुए, एक ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर है, दोनों एक्वा कलर है। अच्छा एक अलग एक वाइब्रेंसी आती है पूरे, मतलब विदाउट लाइट भी ऐसा लगता है लाइट है इसमें, है ना। और ये 1.5 टन का है। 1.5 टन का? 1.5 टन का है। ओ भाई साहब म्यूजियम है ये, म्यूजियम 1950 में बना गया है। इतनी डिटेल में पढ़ा हुआ है भैया ने पूरे, मतलब डोम तक के बारे में पढ़ा हुआ है, हम तो कहाँ ही पढ़ेंगे भाई। सही है, इन भाई साहब के अंदर भाई नेक्स्ट लेवल वाला कीड़ है हिस्ट्री को लेके। अभी भी वो अंदर ही देखे जा रहे हैं चीजें क्या क्या है क्या नहीं, है ना। सेकेंड विजिट है भैया की, बट फिर भी चलो बढ़िया है भाई। तो जी वो वाला म्यूजियम तो घूम लिया है, बट जो कोहिनूर डायमंड है ना वो पड़ा हुआ है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में। और ये वाली क्लिप हम थोड़े दिन बाद शूट कर रहे हैं, थोड़ा बीच में घपला सा हो गया था इसलिए मैनेज कर लेना। इस म्यूजियम के बाद जो है वो उस दिन का है, फिर तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है ऐसे। ये तो है सामने विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम जो अभी हम गए थे, मतलब आपने देखा। इसी के जस्ट ऑपोजिट में ये है सामने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। टिकट तो नहीं थी मेरे ख्याल, तो फ्री था ये, बट पता नहीं अब एक बार ये खड़े तो हुए हैं शायद से टिकट ना हो कहीं। इज इट फ्री और वी हैव टू बाय अ टिकट? फ्री, ओके थैंक यू। लो भैया लो फ्री है, चलते हैं सीधा। वैसे तो यार ये म्यूजियम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ कोहिनूर के पास। टिकट तो नहीं है लेकिन ये डोनेशन के लिए बना रखा है, डिजिटल कार्ड से ही कर दो। तो यहाँ पर एक भाई डायनासोर का ना स्कल भी रखा हुआ है जो अंदर जाता है यहाँ से। अभी तो ये बाहर भी रखा हुआ है इन्होंने, बट जो बड़े वाला है वो आगे है ऊपर की तरफ, देख रहे हो ना सीढ़ियाँ जा रही है। देखो यार म्यूजियम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम पूरा घूमना भी नहीं चाहते, मेन जिस चीज़ के लिए आए हैं ना वहीं लेकर चलूँगा आपको।
यहाँ पे जाना है भाई, हमें अर्थ ट्रेजरी है ना, तो यहाँ पे अपना कोहिनूर मिलेगा। जी लो, पहली झलक तो दिख गई है कोहिनूर हीरे की, यहाँ पे देख सकते हो आप, माउंटेन ऑफ लाइट प्रेजेंटेड टू क्वीन विक्टोरिया इन 1850। वाह भैया क्या झूठ है, 105 कैरेट का है ये वाला जो है ना, और इंडिया लिखा हुआ है। चल मैं भाई ये ओरिजिनल कोहिनूर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, जो ओरिजिनल कोहिनूर है ना वो टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है, ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वहाँ पे, उसकी जो फर्स्ट रेप्लिका है ना वो यहाँ पे रखी गई है लोग ताकि आगे देख सके। एक्चुअल में जो टावर ऑफ लंदन है वहाँ पे जाके शूट करना, फोटो लेना भी अलाउड नहीं है, और उसकी टिकट भी है आई गेस 3-4 हज़ार रुपये की, तो मैंने सोचा वहाँ क्या जाना रेप्लिका ही देख लेते हैं ताकि आपको भी दिखा सके। इसी के साथ में एक और है भाई, ड्रेसडन ग्रीन, लार्जेस्ट नॉन ग्रीन डायमंड है ये, सबसे बड़ा, और लिखा हुआ है 40.7 कैरेट्स का, जो कि इंडिया या ब्राज़ील कहीं से हो सकता है, बट ये कंफर्म नहीं। इसके अलावा भाई ये भी इंडिया से है, ये भी इंडिया से है, ये साउथ अफ्रीका से है, ये साउथ अफ्रीका से, और ये देखो होप है ना जिसका नाम, ये भाई फैंसी डार्क ब्लू डायमंड है, और इसे कहते हैं कि ये ना श्रापित डायमंड था, मतलब जिसके पास भी जाता था उसकी लाइफ में बुरा होता था, और ये भी इंडिया से ही है 45.52 कैरेट का। ये भाई साहब मिले हैं, इनके पास मैप है ये बता रहे, इस एरिया में है कोहिनूर जो है ना, तो चल के देखते हैं। Yeah. Also, yeah. The whole of that is like types of rocks, but this okay. is the really precious oh. and it's worth some. ओके थैंक यू सो मच। अभी हम रेड जोन में है ना, उन्होंने बताया ग्रीन जोन में जाना है, वहाँ पर रखे हुए काफ़ी सारे वैरायटी के कोहिनूर, मतलब है तो वो भी सारे के सारे रेप्लिका ही, बट ना काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं, कि जब वो इंडिया आया था कितने कैरेट का था, फिर उसको तराशा गया, फिर कितने कैरेट का बच गया, तो वहाँ जाना है मेन। यहाँ मिल रहा है भाई मैप देखो फ्री में, अच्छा नहीं फ्री नहीं है भाई, 1 pound है, यहाँ पे डालने हैं पैसे, छोड़ो यार ये वाला जो मैप है इसी को देख के पता लगाते हैं। ये इस जगह पे बताया था ना उन्होंने, हम है इस टाइम पे यहाँ पर, और यहाँ पे टाइटोनोसोरस लगा हुआ है, लाइफ का मतलब वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डायनासोर का स्कल, तो वो भी देखेंगे चल के, फिर यहाँ से चलते हुए मेन यहाँ जाना है। ऐप के अकॉर्डिंग तो भाई इधर की तरफ ही जाना है, यहाँ पे है, हाँ इसकी टिकट है भाई, जो डायनासोर देखना है ना आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। और कितने की है वो भाई साहब, विदाउट डोनेशन 16 pound, यानी 1600 रुपये की एक बंदे की, यानी यहाँ टिकट चेक होएगी फिर जाने देंगे। छोड़ो क्या करना है ना डायनासोर, मेन तो हम कोहिनूर देखने आए हैं, वही देखते हैं। भाई साहब ये देखना क्या लटका पड़ा है, ओए होए होए होए, गजब भाई गजब, कितना ह्यूज है ये। तो जी ये इतनी बड़ी गैलरी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग डायमंड्स पत्थर रखे हुए हैं। अरे नहीं ये तो मोल्ड है भाई कोहिनूर का, ये देखो, ओहो हो ये नहीं है जो देखना हमें, है तो पक्का भाई इसी वाले होल में। अब कौन से उसमें एक एक करके सारे देखने पड़ेंगे, बहुत सारे है, देख टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और आगे अभी कहीं जाना भी है, बट देख के तो जाऊँगा ज़रूर भैया जितनी मर्जी देर लग जाए। मिल गया जी मिल गया, ये 10 number है, अगर कोई भी यहाँ आ रहा है तो सीधा 10 number वाले पे आ जाना, 10 number वो भी है उधर नहीं राइट वाले में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिखा हुआ साइंटिफिक कलेक्शंस, एंड यहाँ है भाई सारे के सारे डायमंड्स ये देखो। और जब 1852 में कोहिनूर को लाया गया था ना, तो उस टाइम पे भाई ये हीरा 191 कैरेट्स का था, बट ये दिखने में ना इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ना तराशा गया उसके बाद सुंदर बनाने के लिए, जिसके बाद जो अभी फाइनल वर्जन है ना वो भाई 108.9 कैरेट का है, और देख सकते हो आप दोनों में डिफरेंस भी कितना है भाई, एक बहुत सुंदर सा लग रहा है, एक थोड़ा नॉर्मल सा है, साइज इतने कुछ खास नहीं है भाई, मुझे लगा बहुत बड़ा डायमंड होगा, बट है ना बिल्कुल जरा सा ही डायमंड है, इतना तो कुछ खास है नहीं। और
काफी बड़े बड़े हैं, हाँ, हमारे कोहिनूर का वही तो इतने बड़े बड़े साउथ अफ्रीका का बड़ा है और भी दूसरे देशों का, हमारा जरा सा है। ये वाला डायमंड देखो क्यूलिनियन करके है भाई, 3106 कैरेट, भाई साहब 3000 कैरेट का बताओ, पर दिखने में सुंदर नहीं है ना बिल्कुल भी। एंड फिर से बता दूं भाई, ये ना ओरिजिनल कोहिनूर की फर्स्ट रेप्लिका या फिर कॉपी आप कह सकते हो, ओरिजिनल टावर ऑफ लंदन में पड़ी है, बट साइज तो सेम ही होगा ना, मतलब रेप्लिका बनाई है तो ऑब्वियसली सेम ही होगा दिखने में भी साइज में भी, तो कैसे उम्मीद से टूटी थोड़ी, मेरे को तो लगा था भाई बड़ा सा होगा, हाँ, बहुत सुंदर सा होगा, एक्सपेक्टिंग है ना कि साइज बहुत बड़ा, कोहिनूर नाम ही इतना बड़ा, ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं कितना बड़ा दिखने में होगा, लेकिन ठीक है बट यार, लेकिन ये वर्ल्ड फेमस डायमंड है, ये उधर लिखा भी हुआ था ना, वर्ल्ड में पूरे फेमस है भाई इंडिया का, और नीचे क्या लिखा हुआ था कि दिया गया है उनको विक्टोरिया क्वीन को, क्वीन जो भी थे है ना, चोरी किया गया, चुराया गया भाई, सही बात है चुराया गया, इंडिया सोने की चिड़िया थी, वहीं पे कोहिनूर डायमंड भी था अपना ये। ठीक है भाई, लंदन आए तो कोहिनूर देखना तो था ही, देख लिया, बस वहाँ पे टिकट दे के कौन नहीं जाता अंदर, फ्री फंड में देख लो, आपको बड़ा कौन सा वो हाथ लगाने देंगे कि असली है नकली है ना, रेप्लिका भी दिखने में वही तो सही बात है भाई, रेप्लिका देख लो या ओरिजिनल देख लो, ओरिजिनल पैसे दे के देने से अच्छा मैं तो कहूँगा यहीं देख लेना फ्री में। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा बना रखा है, मतलब नाम जो है ना हिस्ट्री म्यूजियम, उसी हिसाब से आपको ना आर्किटेक्चर भी पूरा वैसे ही देख रहे हो, कैसे ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर की मूवी का कोई सीन हो यहाँ पे, गजब लग रहा है। और अभी हम जा रहे हैं एक एप्पल स्टोर में, क्या लेना है आपको, मैकबुक और एयरपोर्ट्स का पता करना, एयरपोर्ट्स नहीं एयर टैग्स का पता करना है, तो देखते हैं मैकबुक वैसे ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे, बट यहाँ पे डेमो वेमो में पड़े होते हैं ना, तो थोड़ा देख लेंगे वो कि कैसा है क्या है कौन सा समझ आएगा है ना। आपके ब्लॉग में लास्ट ईयर से देख रहा हूँ, अच्छा, आपने गाड़ी खरीदी बाइक खरीदी सब देखा है, मतलब इस ट्रिप से पहले के जुड़े हुए हो, एक साल से पहले भाई, मैं हर हमेशा देखता हूँ, अभी टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं देखा आप दिल्ली से आए, चलो 4 महीने की ट्रिप, तो अभी हम चाय वाला आए हुए हैं भाई खाने के लिए, और लंदन में भी अपने इतने सब्सक्राइबर है ना, मीटअप किया था तब भी बहुत लोग आए थे, और अभी भी चलते फिरते लोग इतने मिल ही जाते हैं ना, सुबह से काफी मिल चुके हैं ऑलरेडी, क्या लेना है फिर बताओ कुछ ढंग का, यहाँ पे तो कुछ ढंग का है नहीं, एक ना फेमस रेस्टोरेंट है डिशुम के नाम से, तो हमने सोचा वहीं चलते हैं डिनर करेंगे वहीं पे खाना अपना प्रॉपर ना। जिलो मिल गया है एप्पल स्टोर, इधर से है, इधर से ये है, हाँ काफी बड़ा स्टोर है भाई, देख रहे हो मस्त सा एकदम, नाइट ब्रिज स्टेशन के साथ ही है, काफी बड़ा स्टोर है जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ मिल जाएगा। मैकबुक एयर चाहिए ना आपको, तो एयर वहाँ पे है, M2 चिप वाला जो आया हुआ ना, ये है एयर है, हाँ 13 इंच वाला, ये सही है, ये वाला फ्रॉम 999 में, इसकी कोई वो देखनी पड़ेगी, बेस वेरिएंट है 999 यानी 1,00,000 रुपए का, फिर रैम बढ़वाओगे स्टोरेज बढ़वाओगे वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा, बट आपको क्या जरूरत है, 8 GB रैम बहुत है ना, स्टोरेज भी 128 देखो कौन सा, इसमें इन्होंने वो तो लगा नहीं रखे कुछ भी, ये देखो ना ये रहे। अच्छा M1 चिप है 999 का, M2 है 1149 का, हाँ M2 ही लो नया वाला वैसे, और 256 SSD है, 8 GB रैम, हेलो नो लुकिंग, हाँ तो यही सही है, M2 चिप 8 कोर वाला अपना 256 के साथ, बाकी दिखने में तो सेम ही है ऐसा, यही है पूरा का पूरा 1149 13 इंच का है तेरा, यही सही है, चला के देख लो फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर करना अपना, यहाँ पे क्या ऑनलाइन ऑर्डर कर दो और पिकअप कर दो स्टोर से ही है ना, घर पे भी हो जाता है डिलीवर, हाँ घर से ले लो मतलब घर पे मंगवा लो या फिर पिक कर लो यहाँ से, और ज्यादातर जितने भी बेस वेरियंट्स होते हैं ना वो इनके पास अवेलेबल ही होते हैं स्टॉक में, तो अभी खरीदोगे अभी दे देंगे आप, तो बट जो कस्टमाइज करवाते हैं ना, जैसे मेरे को मैकबुक प्रो 16 इंच वाला कस्टमाइज करवाना है 64 GB रैम 2 TB SSD, वो जो है वो ऑन ऑर्डर आता है, इनके पास रेडी नहीं होता, हाँ वो 1-1.5 हफ्ता लगा देते हैं ऑर्डर आने में। देखो ये है भाई वो मॉडल जो मुझे लेना है, मैकबुक प्रो 16 इंच सबसे टॉप ऑफ द लाइन, अराउंड £5,000 का, इंडिया में 4 लाख कुछ का पड़ेगा, बट भाई क्रेजी मशीन है, मतलब 4K लेवल की जो मर्जी फुटेज डाल दो एकदम तगड़ी तरीके से ना हैंडल कर लेगा, हालांकि साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मुझे साइज वाइज वो अच्छे लगते हैं, बट अब मैं लूंगा तो फिर यही लूंगा 16 इंची, ताकि एक बार लिया और फिर 5-6 साल की छुट्टी, मतलब 5-6 साल तो नहीं, वैसे एप्पल वाले हर 1-1.5 साल में कुछ टेक्नोलॉजी ज्यादा ही अपग्रेड कर देते हैं, बट स्टिल 2-3 साल तो चला ही लूंगा अच्छे से। चलो जी ऑर्डर कर दिया है, इनके कार्ड पे ना एक ऑफर आया हुआ था नो कॉस्ट EMI का, यानी कि जितना अमाउंट है उतना ही भरना है 12 महीने में किस्तों में, तो यहाँ पे क्या होता है ऑप्शन था 24 मंथ्स और 36 मंथ्स 12 मंथ्स 12 का करा वाला किया ना, इजी है यार, फटाफट रहना सही में खत्म, लंबे वाला टाइम हो ज्यादा
वो मेनली इन्होंने ना करवाया है क्योंकि यहाँ पे ना क्रेडिट हिस्ट्री बहुत जरूरी है। आपको घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए लोन जो होता है ना वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे ही मिलता है, तो इसलिए ये छोटे मोटे लोन लेते रहो, उससे क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी, बस बाउंस नहीं होनी चाहिए ई एम आई, है ना। तो ऑर्डर कर दिया है लैपटॉप, कल घर पे आ जाएगा, कल या परसों तो आ ही जाएगा। खैर अनबॉक्सिंग दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो चले अब डिशुम डाल लो, पास ही है, दूर ना हो, क्योंकि यहाँ तो सही में बस और ट्रेन लेने में भी दिक्कत है भाई, इतना महंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पैदल पैदल ही चल लेंगे भाई। सब रोल्स रॉयस जा रही है, देख रहे हो कितनी खतरनाक लग रही है, ब्लू कलर है। और ये जो डिशुम रेस्टोरेंट है ना भाई, 1.4 माइल है, यानी ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर, तो इतना तो पैदल चला नहीं जाएगा। एक पास में हांडी करके रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। ये पास ही है, 0.4 माइल, 8 मिनट लगेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट वाली गली में घुसते ही भाई इतनी मस्त खुशबू आ जाती है ना, ये पहुंच गया भाई हम हांडी रेस्टोरेंट। अंदर ही बैठते भाई, बाहर तो हो रही है ठंड बहुत ज्यादा। लो जी, लो खाना आ गया है, प्रॉपर मेन कोर्स मील ही ले ली हमने, बटर नान के साथ एक सब्जी, चावल और सैलेड वैलेड, बस पेट भर जाएगा इसी से। अगर खाना वाना खा लिया, अब हमें यहाँ से जाना है बिग बैन करके एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना तो देखा जरूर होगा, आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ। यहाँ से 1.4 माइल्स है, तो वही भाई इलेक्ट्रिक वाली लाइम साइकिल का मैंने पास खरीद लिया है, 6 पाउंड में 60 मिनट, यानी 600 रुपए में 60 मिनट, तो यहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे, चलते हैं। यहाँ पर लिखा ना स्कैन, ये रहा, ये वाला QR कोड स्कैन कर लो बस, लोक इसमें नहीं है, लोक सीधा ही चल जाएगी। चलो जी दोनों निकल गए मस्त एकदम। मुझे तो आदत है भाई, इनको थोड़ी आदत नहीं है, मैप लगा रखा है भैया। चलो अब यहाँ ये नहीं पता भाई कि फुटपाथ पे चला सकते हैं या अलग से लेन है, क्योंकि दिख नहीं रही लेन मुझे कहीं भी। इलेक्ट्रिक वाले का यही फायदा है, थकान नहीं होती इसमें, जितना मर्जी चलाओ हल्का सा पैडल मारना पड़ता है, फिर इसकी बैटरी की किन हो जाती है और फिर मस्त चलती है, मजेदार। भाई साहब हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बस आने ही वाला है, मैं तो ना चलाऊँगा अब साइकिल भैया, इतनी ठंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाऊँगा। और ये रास्ते में चलते चलते भाई बकिंगम पैलेस भी आ गया, आई होप प्रोनंसिएशन सही करी हो मैंने। इधर आप देख सकते हो भाई साहब, गेट वेट भी ऐसा लग रहा है पूरा सोने के है, बट पता नहीं है सोना है या नहीं है। काफ़ी सुंदर एरिया भाई ये वाला, बट जैसे कि मैंने बताया बहुत ठंड हो रही है, हाथ भी जम गए बुरी तरह से, ग्लव व्लव पहन के आने चाहिए थे। चलो आ ही गया बस, अब तो कितना रह गया यहाँ से, 5 मिनट का है। लो जी लो, ये आ गया है बिग बैन, जहाँ पे एक बड़ी सी ये क्लॉक लगी हुई है, इसलिए ये कि एरिया ना काफ़ी फेमस है। एंड इसके यहीं लेफ्ट में देखोगे आप लंदन के फेमस टेलीफोन बूथ भी है। अभी तो खैर अंधेरा हो गया है, फोटो खिंचवाने का कोई फायदा नहीं है, कल या परसों अभी मैं हूँ 4-5 दिन, आराम से टाइम निकाल के आऊंगा और फिर फोटो खिंचवाऊंगा। विक्टोरिया स्टेशन भी यहीं का ही है मेरे ख्याल से, पास ही है, यहीं से हमारी जो है ना वो हैरी पॉटर की पिकअप होगी स्टूडियो टूर के लिए बस में, तो परसों आना है 2 तारीख को। यहीं पे मिल गई भाई पार्किंग, लगा दी है अपना, 23 मिनट लगे टोटल आने में, अभी भी 37 मिनट बच्चे है, तो वो हम आज या कल या परसों मतलब अगले 3 दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं। एंड जहाँ साइकिल खड़ी करी है भाई, बिल्कुल वहीं पे ही पार्लियामेंट है, ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना। मेरे ख्याल से ये वही है भाई गोथिक आर्किटेक्चर, क्योंकि सेम सा लग रहा है मुझे देखने में, किसी को पता हो तो बताना, बाकी गोथिक ही है मेरे ख्याल। तो जी ये है सामने बिग बैन, और इसी के सामने आप देखोगे ना ये वाला जो है स्टेशन वेस्ट मिनिस्टर, तो जुबली लाइन नाम है, जुबली लाइन ना ट्रेन का नाम है। तो जिसको भी आना हो बिग बैन, इस वाले स्टेशन पे उतर जाए, ये वाला जो लाइन है वो पूरे लंदन से कनेक्टेड है ना, कहीं पे भी हो आप लंदन में। और वीकेंड पे ये 24 आवर्स चलती है, जैसे फ्राइडे और सैटरडे नाइट, अच्छा 24 घंटे चलती है, किसी को ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, घर के पास से चलनी होनी चाहिए, पर ऑलमोस्ट हाँ कनेक्टेड है ये सही। एंड बिग बैन के सामने ही आपको मिल जाएगी लंदन आई, अभी तो लाइट वाइटें चल गई है क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना, तो इसमें भी आप राइड ले सकते हो, ऐसे चल रहा है नहीं रुका पड़ा भाई ये तो। ये देखो भाई यहाँ पे लाइटों वाले रिक्शा भी चलते हैं, मेरे ख्याल 2-3 पाउंड लेते हैं ये, और ऐसे आपको गेड़ी लगवाएंगे आसपास, देखें ना क्या मस्त सिस्टम बना रखा है।
चलो भाई वापस घर जा रहे हैं। और सुबह मैंने आपको ना गलत बता दिया, एक बंदे के पूरी जो जर्नी थी ना उसके 4.5 pounds लगे थे, 9-10 pounds जो मैं बता रहा था वो आने जाने के है। हाँ तो मैंने बोल दिया कि एक तरफ के है वो। हाँ तो अब वापस से वही सिस्टम पकड़ते हैं भाई अपना मेट्रो में, फिर उसके आगे एक बस पकड़ लेंगे, कैब नहीं करेंगे। बाकी आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, कल वाले व्लॉग में हम कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे देखेंगे, चलो देख लेना। हाँ ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।